नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में आजकल थिएटर संस्कृति को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते आजकल आपको श्रीनगर में नाटकों का मंचन और थिएटर वर्कशॉपों के आयोजन होते हुए दिख जाएंगे। खास बात यह है कि नाटकों के जरिए कश्मीर की पुरानी कहानियों और लोक परंपराओं को जनता के बीच पेश किया जा रहा है, जिसकी भरपूर सराहना भी हो रही है। इस क्रम में कश्मीरी लोक कलाकारों ने नाटक आका नंदुन में अपने असाधारण कलात्मक कौशल का प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें कि यह एक प्राचीन लोक कथा है। यह नाटक एक राजा के इर्द गिर्द घूमता है जो शिव का सच्चा भक्त है, जिसकी रानी भी उत्तराधिकारी के लिए शिव की पूजा करती है। कश्मीरी रंगमंच के इतिहास में यह पहली बार दिखा जब किसी नाटक का संगीतमय प्रदर्शन के माध्यम से मंचन किया गया। कश्मीर में इस समय भीषण ठंड पड़ रही है, लेकिन इस नाटक को देखने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे थे। प्रभा साक्षी से बात करते हुए प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक ने कलाकारों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, कलाकारों का प्रदर्शन असाधारण था। एक अन्य थिएटर कलाकार ने संगीतमय प्रदर्शन के माध्यम से नाटक प्रस्तुत करने की कला को सराहा। उन्होंने कहा, इस नाटक का मंचन कश्मीर में कई बार किया गया है, लेकिन यह पहली बार है कि इसे संगीतमय प्रदर्शन के साथ मंचित किया गया है। सबसे पहले आज के प्ले की बात करूँगा कि अक्कनंदन ये एक फोक कहानी भी है और मैथोलॉजिकल कहानी भी है, और इस पे जो ड्रामे लिखे गए हैं वो अलग अलग राइटरों ने लिखे हैं। जैसे सुभान भगत साहब ने लिखा है, जैक्शन कोल बेजान ने भी लिखा है, अरशद मुश्ताक ने भी एक कोशिश की, लेकिन आज की कोशिश उन कोशिश से अलग थी। और मैं मानता हूँ कि क्रिएटिव आर्ट में तजुर्बात या एक्सपेरिमेंट्स होते रहने चाहिए, तभी जाके उसमें जो तख्लीकी एक निखार आता है, एक क्रिएटिवनेस जिंदा रहती है। तो नए नए ढंग से एक चीज़ को पेश किया जाए, नए नए तजुर्बात किए जाएं, फिर देखा जाए कि कौन सा तजुर्बा अच्छा रहा। और मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि इस साल मैं देख रहा हूँ कि ठंड हो गई है, माइनस डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन टैगोर हॉल में रौनकें चल रही हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सेक्रेटरी कल्चरल अकेडमी भरत सिंह मनास का, जिन्होंने यहाँ गर्मी का इंतजाम रखा है ताकि यहाँ पे सर्दी का एहसास नहीं होता है हॉल में। और हम भी आते हैं, लोग भी आएंगे। पिछले दिनों बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था, रात शाम 7:30 तक बच्चे अंदर प्रोग्राम देख भी रहे थे, कर भी रहे थे। वो तभी मुमकिन है जब अंदर गर्मी का इंतज़ाम है। और ऐसे प्रोग्राम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुआ कुछ भी हो, थिएटर हो, म्यूज़िक हो, या और भी कोई भी फॉर्म हो परफॉर्मिंग आर्ट्स की, वो होती रहनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और कश्मीर के मामले में ये कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। थिएटर इम्पॉर्टेंट है आर्टिस्ट के लिए। जिसको अच्छा आर्टिस्ट बनना हो उसको थिएटर करना है ज़रूरी, क्योंकि थिएटर से ही आर्ट, जितने भी फिल्में बनी है, चाहे हम बैलोंगा भी तो ग्लोबल की तरफ से देखें या इंडिया अपने मुल्क की तरफ से देखेंगे, थिएटर ज़रूरी है। जिस इंसान को एक्टर बनना हो, आर्टिस्ट बनना हो, उसको थिएटर करना ज़रूरी है। लेकिन उस थिएटर में अगर आप थिएटर करेंगे उसमें एक्सपर्ट्स होने चाहिए। जैसे कि इस वक्त अंदर ये फोक प्ले हमें, हमारी लोक कथा है ये अक्कनंदन, ये जो हुआ ये इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया है, लेकिन कथा वही है, लेकिन इन्होंने नया रूप इसमें दे दिया है, एक नए रूप में इन्होंने पेश किया। ये अच्छी कोशिश है, इसमें नए नए बच्चे थे आज, नए नए लोग थे इसमें। ये अगर हम नई पीढ़ी को ऐसे इस तरह से पेश करेंगे तो लगेगा कि हम कुछ करने वाले हैं या करेंगे आगे भी। और थिएटर इंसान का एक, जिसको भी, चाहे सिंगर बनना हो, आर्टिस्ट बनना हो, चाहे रेडियो आर्टिस्ट बनना हो या टेलीविज़न या फिल्मों में जाना हो, थिएटर ज़रूरी है। ये इंस्टीट्यूट है, जैसे कि कोई भी थिएटर हो, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर में बहुत सारे थिएटर हैं। लेकिन मैं एक कहता हूँ कि वर्कशॉप होने चाहिए ताकि नए लोग, जो नए बच्चे जो इस थिएटर फील्ड में आएंगे, उनको लगेगा कि थिएटर क्या चीज़ है। उसी से मैं भी कहूँगा, मैंने भी बुज़ुर्गों से सीखा है, लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूँ। आप जैसे बच्चे हैं इस वक्त, मैं उनसे सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी पूरा थिएटर पता नहीं कि थिएटर क्या, मैं थोड़ा सा स्टूडेंट हूँ इसमें। हम आपको बता दें कि नाटक आका नंदुन का अर्थ है द ब्यूटीफुल। यह एक हिंदू राजा के बारे में एक रहस्यमय कथा पर आधारित है, जिसकी 7 बेटियां थीं लेकिन कोई बेटा नहीं था। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने एक बेटे के लिए प्रार्थना की जो उसके राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। एक जोगी उसके सपने में आता है और उसे एक बेटे का आशीर्वाद देता है, इस शर्त पर कि वह अपने बेटे का नाम आका नंदुन रखे और वादा करे कि जब वह 12 साल का हो जाएगा तो वह उसे जोगी के पास लौटा देगा।
पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम अकानंदन रखा गया। उसे शाही देखभाल में पाला गया और वेदों तथा पुराणों को सीखने के लिए शाही पाठशाला में भेजा गया। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो संत राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा जोगी से विनती करता है कि वह उसका पूरा राज्य और धन ले ले, लेकिन उसका बेटा नहीं। जोगी इनकार कर देता है और राजा को अपने बेटे का वध करने का आदेश देता है और रानी को उसे अपनी दावत के लिए पकाने का आदेश देता है। जब दावत तैयार हो जाती है तो वह रानी को इसे 11 प्लेटों में विभाजित करने का आदेश देता है, 8 महिलाओं के लिए, 1 राजा के लिए, 1 संत के लिए और 11वीं अकानंदन के लिए। फिर वह रानी को दावत का आनंद लेने के लिए अकानंदन को बुलाने का आदेश देता है। रानी अकानंदन को बुलाती है, जो सभी को आश्चर्यचकित करते हुए प्रकट होता है। जोगी गायब हो जाता है और सभी जोगी की महिमा गाते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।